47 दिनों के बाद अनलॉक हुआ रीवा, केवल 10 घंटे एक तरफ की खुलेंगी दुकानें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। वहीं प्रशासन ने व्यापारियों से वैक्सीनेशन कराने की है अपील। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने जिस तरह से अपना रौद्र रूप दिखाया था, उससे आम जनमानस इस महामारी से बेहद भयभीत था और शासन प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए थे। आपको बता दें कि दूसरी लहर में 17 दिनों तक कोरोना संक्रमण अपने पीक पर रहा, जिसमें 5,700 मरीज सामने आए और कोरोना संक्रमण से हुई मौतों ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण को रोकने के लिए 14 अप्रैल को लगाए गए कोरोना कर्फ्यू में चरणबद्ध तरीके से ढील देने की प्रक्रिया आज से प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही प्रतिबंधों के दायरे में रहकर लोगों को भी अब काफ़ी सावधानी पूर्वक अनलॉक की स्थितियों में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी लहर की भयावह स्थिति को देखते हुए हमें उससे सीख लेने की आवश्यकता है। जहां आज कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, जिसके चलते कलेक्टर ने 1 जून से 15 जून तक के लिए अनलॉक के आदेश दिए हैं, जिसमें रीवा नगर निगम क्षेत्र में दुकानों के संचालन के लिए आज से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसमें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, जिसमें एक दिन सड़क के दाईं ओर तथा दूसरे दिन सड़क के बाईं ओर की दुकानें खुली रहेंगी। इसमें अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे दूध, डेयरी, मेडिकल एवं किराना स्टोर पर ये नियम लागू नहीं होंगे, वो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। हम आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू में ढील देने के साथ व्यापारियों का वैक्सीनेशन कराने का प्रशासन ने दिया है जोर। इस संबंध में एडीएम ने व्यापारियों से की है अपील कि अपने एवं अपने कर्मचारियों का भी करवाएं वैक्सीनेशन। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के निर्देशानुसार आज अपर जिला कलेक्टर इला तिवारी के द्वारा शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा की दुकानों में संचालकों से वैक्सीनेशन की अपील की गई। इस दौरान प्रशासन द्वारा जारी किए गए COVID-19 गाइडलाइन का पालन कराने की भी बात कही गई। इस अवसर पर SDM शैलेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार अतीश शुक्ला, थाना प्रभारी अमहिया शिवा अग्रवाल, बिंद व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष नरेश काली सहित अन्य व्यापारीगण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है इस संबंध में अपर कलेक्टर इला तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसा कि आपको पता है, आज से अनलॉक प्रारंभ हुआ है, तो आज हम लोग पूरे शहर में विजिट कर रहे थे और लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। साथ ही साथ हमारे जिले शहर में 3 जगह पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है 18+ और 45+ के लिए, तो हम लोगों को मोटिवेट भी कर रहे थे और व्यापारी बंधुओं को भी मोटिवेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ ग्राहकों की संख्या ज़्यादा रहती है और स्प्रेड होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है, तो हम आज सभी को मोटिवेट कर रहे थे कि वो खुद भी टीका लगवाएं, अपने परिवारजन को भी टीका लगवाएं, अपने स्टाफ को एक एक करके भेज के उनको भी टीकाकरण कराएं, क्योंकि सतर्कता बहुत आवश्यक है। अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, अनलॉक की प्रक्रिया है, तो हमें जिम्मेदारी से उसको पालन करना है और जो उनके परिवारजन हैं उनको भी टीका लगाएं, सभी को प्रेरित करें कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके। दुकान संचालन के लिए एक रूट चार्ट बनाया गया है, पहले दिन राइट और फिर सेकेंड डे लेफ्ट की दुकानें खुलेंगी और उसका भी हम लोग पालन सुनिश्चित करा रहे हैं। जो अत्यावश्यक वस्तुएं हैं जैसे दूध, फल, केमिस्ट की दुकानें या किराना है, वो तो प्रतिदिन खुल सकेंगी। बाकी दुकानों के लिए कहा गया है कि वो एक एक दिन ऑल्टरनेट डेज पे राइट और लेफ्ट के क्रम में खोलेंगे।